जय श्री राम मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन। पहले तो दीपावली की शुभ की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब बात करेंगे कि चारों तरफ देखा जाए आज तो दीपावली महापर्व की धूम मची हुई है। ठीक है, लोगों का कुछ धंधा व्यापार भी आगे बढ़ रहा है और कुछ लोगों में ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो चिंतित हैं बेचारे, जिनका धंधा जिनका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे उपाय लेकर के आए हैं कि यदि वो हमारे व्यापारी मित्र भाई यदि उन उपायों को करेंगे तो उन्हें अति धन की प्राप्ति होगी और उनके जो बिगड़े हुए काम है वो शीघ्रता से बनने लगेंगे। तो आज कुछ हम जानेंगे नई चीजों को। सबसे पहली बात कि हम दीपावली की सायंकालीन जब हम लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करने वाले होते हैं उस समय हमें ध्यान देना है कि पूजन करने से पहले 11 संख्या की दीपक में, कितने संख्या, 11, 11 दीपक हमें जलाने हैं और दीपक की लौ ध्यान रखना है कि वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। उन दीपक को अपने दुकान के बाहर दरवाजे पर मुख्य द्वार पर हमें एक क्रम से रख देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो व्यापार में जो अंधकार मचा हुआ है, जो हम चिंतित हैं, वो अंधकार दूर होने लगेगा और वो दीपक वो अपनी प्रकाश से हमारे व्यापार को हमारे धंधे को भी प्रज्वलित करेंगे, प्रकाशवान करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर टू पे आएंगे कि हमें गोमती चक्र, ठीक है, गोमती चक्र कितनी संख्या, पांच ही संख्या, पांच गोमती चक्र लेकर के और लक्ष्मी गणेश का पूजन भगवान का पूजन करने के बाद उन गोमती चक्रों को एक लाल कपड़े में बांध करके और अपने दुकान के मुख्य दरवाजे के ऊपर कोने पर ईशान कोण में, ठीक है, उस ईशान कोण में हमें बांध देना है या टांग देना है। इससे भी धन संपत्ति में हमारी वृद्धि होने लगेगी, हमारा व्यापार भी दौड़ने लगेगा। तीसरी मुख्य बात कि हम जो धनतेरस पे हमने झाड़ू खरीदी है उस झाड़ू को लेकर के और जब पूजन करते हैं तो हमें भगवान के दाहिने तरफ रखना है। रात्रि भर हमें झाड़ू का प्रयोग नहीं करना, दूसरे दिन सुबह प्रातः काल की वेला में फिर उस झाड़ू से हमें दुकान की साफ सफाई करनी है और वो झाड़ू का प्रयोग नित्य हमें करना है, जिससे क्या होगा, हमारी दुकान की जो दरिद्रता है वो दरिद्रता शीघ्र ही दूर होने लगेगी। पॉइंट नंबर चार, हमें पीली कौड़ी लेकर के और भगवान जब लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं उस समय उनको रखना है पूजन में, पूजन करने के बाद उन कौड़ियों को लेकर के और हम अपने दाराज लॉकर में हमें उन्हें रख देना है। इससे भी क्या होगा कि धन संपत्ति की जो जो हमारे लॉकर में धन की कमी रहती है वो भी कमी दूर होने लगेगी। पॉइंट नंबर पांच, अब हम इसमें ध्यान देंगे श्रीयंत्र, जब लक्ष्मी गणेश भगवान का पूजन करते हैं तो हमें श्रीयंत्र का भी पूजन करना चाहिए, साथ ही हमें उनका शास्त्रार्चन भी करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और मुख्य बात धन की कमी दूर होने लगती है। परिवार में भी धन की जो कमी है वह भी दूर होने लगती है, घर के सदस्य भी धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होते हैं। तो यदि हमारे इन बताए गए उपायों को यदि किया जाए तो शीघ्र ही शीघ्र लाभ होने लगता है और जो हम समस्याओं से ग्रसित हैं उन समस्याओं को भी हम जल्दी ही दूर कर पाएंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। जय श्री राम।